देखो बेटा, उस दिन मैं थानू असाइनमेंट सेंड की थी सी, उसकी प्रॉब्लम नंबर 20th जो है कि टू मासेस M1 एंड M2 आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग विच पासिस ओवर ए पुली अटैच्ड टू द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन. द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज 30 डिग्री एंड M1 10 kg, M2 5 kg. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ मास M2? तो बेटा सब तो पहला तो आप इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ करते हैं ना. दिस थीटा इज गिवन टू बी 30 डिग्री. मास M1 इज ऑफ 10 kg, मास M2 इज ऑफ 5 kg. एंड हाँ, जो मास है बेटा M1 है. हाँ पुली है, स्ट्रिंग है. हाँ M2 है ना. दिस इज M1. M1 हुन केड़ी केड़ी फोर्स लगनी बेटा? एक तो टेंशन आ जानी है ना, क्योंकि M1 तो लेके M2 तक सिंगल स्ट्रिंग है, तो टेंशन दोनों ते सेम होएगी है ना मैग्नीट्यूड च. दूजा वेट आ गया बुत, नॉर्मल रिएक्शन वेट. हुन आ कंपोनेंट थीटा है ना, तो M1G cos थीटा, M1G sin थीटा. उन बेटा क्योंकि फ्रिक्शन बारे ना दसिया गया ना पूछा गया, इट मींस ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है ना. उन अगर आप थोड़ी देर लिए ज्यूम कर लिए कि लेट जो M1 मास है वो आपका प्लेन और जो M2 मास है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए, तो दोनों की इक्वेशन किस तरह लिख सकते हैं बेटा? देखो क्योंकि आ जो M1 है ये ते केड़ी केड़ी फोर्स लग रही है, N1 M1G एंड T. तो M1G दे आपा कंपोनेंट्स बना लिया. क्यों? क्योंकि आपा सरफेस दे नाल कांटेक्ट है ना ये ऑब्जेक्ट, तो असी अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्सेस ड्रॉ कर लेनी है ना कंपोनेंट्स बनाने तो बाद. हुन जेडियां फोर्सेस नॉर्मल टू द सरफेस है वो बैलेंस हो गया, मींस N1 दी वैल्यू तो M1G cos थीटा है और एदी इक्वेशन की बनेगी बेटा M1A इज इक्वल टू T माइनस M1G sin थीटा, और एदी इक्वेशन बेटा बनेगी M2A इज इक्वल टू M2G माइनस T. ना नंबर 1 है नंबर 2 है, तो एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 एंड 2 जो ऐड करूंगे बेटा टेंशन खत्म हो जाएगी, तो लेफ्ट साइड आ जाएगी M1 प्लस M2 A कॉमन आ गया और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा M2G माइनस M1G साइन थीटा. इतो तुसी एक्सेलरेशन निकाल सकते हो बेटा. और इस एक्सेलरेशन नो सॉल्व करके असी अगर इतने पुट कर देने हैं तो टेंशन आ जाएगी, इतने भी कर सकते हैं बेटा, इतने करके भी टेंशन निकाल सकते हैं ना, तो टेंशन भी निकल सकती है और एक्सेलरेशन भी सॉल्व हो जाएगी. फिर देखो बेटा प्रॉब्लम नंबर 18, टू डिटरमिन द कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए रफ सरफेस एंड ए ब्लॉक. द सर्फेस इज केप्ट इंक्लाइंड एट 45 डिग्री एंड ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट. हाँ सर्फेस है बेटा, ये रफ सर्फेस है, ये ऊपर आप एक ब्लॉक रखता बेटा और आ एंगल जो है दैट इज गिवन टू बी 45 डिग्री. हुन ये जो ब्लॉक है तो मान लो ये ब्लॉक टोटल जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस
डी इस नू कवर करन दे लई टाइम लगा रहा वा दैट इज टाइम टी टाइम टेकन टी है हुन थानू पता वा ये जिहड़ा ब्लॉक है ना ये डाउन द रफ प्लेन जदों नीचे नू आ रहा वा ना ये जिहड़ा ब्लॉक है तो हुन ये बेटा थानू याद होना चाहिए कि एक जिहड़ा रफ इनकलाइंड प्लेन है जदों उहदे ते रखी हुई बॉडी अपने आप नीचे आती है एक्सलरेट करती है तो उहदी वैल्यू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा दे बराबर होंगी है ना ये मतलब अगर आंसर तुहानू रिजल्ट याद होएगा डायरेक्टली तो आंसर तक पहुंचना ईजी हो जाएगा। अच्छा हुण क्योंकि ये एक्सलरेशन कॉन्सटेंट है बेटा तो इनिशियली बॉडी रेस्ट तो स्टार्ट हुई है तो नीचे तक आंदे आंदे इनू फार्मूला आप यूज करांगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर वाला ना तो एस डी दे बराबर है बेटा एस डी है यू जीरो होन करके और ए दी वैल्यू ए आर है तो इस करके जो टी आ गया ना अंडर रूट टू एस बाय ए ओके दे बराबर बन जाएगा टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू डी बाय ए आर नंबर वन। पर हम दोबारा देखो द रफ सरफेस इज देन रिप्लेस्ड बाय स्मूथ सरफेस एंड द सेम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड मतलब ये जोड़ा थोड़े सामने मैं रेड कलर का सरफेस बनाया ये रफ सरफेस है तो बिल्कुल एदे वर्गा ही स्मूथ सरफेस जो है वो रिप्लेस करता बेटा हुण इस स्मूथ सरफेस दे उपर जिहड़ा ऑब्जेक्ट है हुण बाकी सारे फैक्टर्स पैरामीटर्स सेम है डी डिस्टेंस है यू जीरो है तो ये स्मूथ है स्मूथ होण करके जदों इहदे उपर बॉडी नूं रख के छड्डांगे तो उहदी एक्सलरेशन डाउन द प्लेन की होएगी जी साइन थीटा बेटा तो हुण इस स्मूथ दे उपर जिहड़ा टाइम है तुसीं स्टेटमेंट पढ़ो द ब्लॉक नाउ टेक्स टाइम टी बाय टू तो फार्मूला तो यह सेम ही रहेगा पुत्र तो इथे t दी जगह t by 2 आ गया according to given situation 2d by as number 2 हुण आपां दोनां नूं सॉल्व करके है ना dividing equation 1 by 2 1 नूं 2 नाल डिवाइड कर लो 2d by ar और आ गया t by half is equal to 2d by as है ना तो टी कैंसल आउट हो गया टू ऊपर चला गया बेटा और आ भी कैंसल आउट हो जाना रेशियो च हुण अंडर रूट ए एस बाय ए आर आ गया स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स हुण मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट हो गया फोर इज इक्वल टू ए एस बाय ए आर तो ए आर इज इक्वल टू फोर ए आर इज इक्वल टू ए एस तो फोर ए आर दी वैल्यू है बेटा तो आ वाली है साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा और ए एस दी वैल्यू है जी साइन थीटा जी कैंसल आउट हो गया तो फोर साइन थीटा माइनस फोर म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा तो ए जो तो साइन इधर आएगा तो थ्री साइन थीटा इज इक्वल टू फोर म्यू कॉस थीटा ठीक है तो थ्री बाय फोर टेन थीटा is equal to mu और theta की value 45 degree है तो tan 45 degree 1 है तो mu comes out to be 3 by 4 ये answer आ गया बेटा तो इस तरीके नाल आपां problem नूं sort out करना। अच्छा हुण अभी देखो ये problem काफी सर एक बार पीछे करना हो गया सर। उन प्रॉब्लम नंबर 16 जो है बेटा टू फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल आर शोन इन फिगर टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर प्लेस्ड ऑन द टू प्लेन्स व्हाट इज द रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हुण ध्यान दियो बेटा हुण आ है एक इनक्लाइंड प्लेन
अगर बेटा आ एंगल थीटा वा तो ये क्योंकि स्मूथ है ना, स्मूथ प्लेन है, फ्रिक्शनलेस, तो इस करके इहदे उपर जो ऑब्जेक्ट दी एक्सेलरेशन है अलोंग द प्लेन, ध्यान दियो बेटा अलोंग द प्लेन, दैट इज जी साइन थीटा वा। हुन उन्हें पता की क्या वा, उन्हें क्या वा अपर रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन। हुन देखो तो हुन अगर आ एंगल थीटा वा देन इट वुड बी थीटा, तो इस तरफ क्योंकि आ एक्सेलरेशन ए है तो इस तरफ बन जाना ए कॉस थीटा और इस तरफ बन जाना ए साइन थीटा। हुन ए दी वैल्यू जी साइन थीटा है तो इहदा मतलब डाउन वर्ड एक्सेलरेशन, जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो किन्नी हो गई जी साइन स्केयर थीटा। ठीक है, हुन बेटा जेड़ा पहला केस है फर्स्ट केस ओदे विच है जी साइन स्केयर 60 डिग्री एंगल है थीटा, और सेकंड केस दे विच जी साइन स्केयर 30 डिग्री। हुन साइन 60 डिग्री पता ही है तुहानू रूट 3/2, ओदा स्क्वेयर की हो जाएगा 3/4g, और आ है साइन 30 डिग्री हाफ है ना तो 1/4g। तो हुन रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालनी है ना दोनों दी, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन एक्चुअली ये वेक्टर फॉर्म च है ना, तो ये याद रखना ये वेक्टर फॉर्म है, डायरेक्शन डाउनवर्ड है ना, तो क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो इस करके जेड़ा मैग्नीट्यूड्स है उन्हों का डिफरेंस आ जाएगा ना, तो 3/4g - 1/4g डाउन बर्डन। उन 3/4g - 1/4g की हो गया हाफ जी, और जी दी वैल्यू अगर 9.8 है तो इट वुड बी 4.9 डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस तरीके नाल असी सॉल्व कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो बस ध्यान रखना वा कि जेड़ी आपां जी स्मूथ सरफेस ते जी साइन थीटा लेने ना, वो अलोंग द इनक्लाइंड सरफेस हुंदी है, तो ओदे कंपोनेंट्स बना लेने ना फर्दर, क्योंकि आपां नूं रिलेटिव एक्सेलरेशन चाहिदी है, टोटल नहीं सानू चाहिदी है वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल कंपोनेंट या रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन, तो इस करके वर्टिकल कंपोनेंट्स दी रिलेटिव लेनी है, टोटल दा नहीं लेना, ये ध्यान च रखना। गॉट इट? यस सर। यस सर। देखो बेटा, यस सर, हुन जिस तरह न्यूमेरिकल नंबर 13 है, एन इंसेक्ट क्रॉल्स अप ए हेमिस्फेरिकल सरफेस वेरी स्लोली, मीन्स आ थाडे सामने है बेटा हेमिस्फेरिकल सरफेस है, तो आ इसका सेंटर है, तो आ वर्टिकल लाइन हो गई और ये लाइन रेडियस दे बराबर है। हुन जो इंसेक्ट है ना, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इंसेक्ट एंड द सरफेस इज 1/3, एंड इफ द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल सरफेस टू द इंसेक्ट मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विद द वर्टिकल, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा इज गिवन। हुन एक्चुअली की होएगा, जदों इंसेक्ट उपर नू जा रहा ना, जदों इंसेक्ट उपर नू जा रहा बेटा, तां उस इंसेक्ट ते केड़ी केड़ी फोर्स लग रही है, हुन ध्यान नाल देखियो बेटा, ए मान लो एट एनी टाइम इंसेक्ट इत्थे आ गया ना, आ डॉट जिहड़ी है ना इंसेक्ट है, तो इस इंसेक्ट ते एक तां फोर्स लग रही है वेट, ठीक है, दूसरा इस इंसेक्ट ते फोर्स लग रही है बेटा नॉर्मल रिएक्शन। हुन ये जिहड़ी आपां इंसेक्ट दी पोजीशन हाईलाइट कीती है ना डॉट दे नाल, तो क्योंकि ये पॉइंट स्फेरिकल सरफेस दे उपर है, ता स्फेरिकल सरफेस दे उपर गिवन पॉइंट दे परपेंडिकुलर किधर नू होएगा, अलोंग द रेडियस, तो सेंटर वाल जाएगी, ये ध्यान च रखना। हुन बेटा अगर आ एंगल अल्फा है तो जेड़ा एम जी है तो आ एंगल भी अल्फा होएगा, तो आ हो गया एम जी कॉज अल्फा,
और आ हो गया बेटा एम जी साइन अल्फा। ठीक है, हुण जिहड़ा एम जी साइन अल्फा है ना कंपोनेंट, ये जिहड़ा इनसैक्ट है उन्हू नीचे नू लियान दी कोशिश कर रहा, बट जिहड़ी फ्रिक्शन है ना स्टैटिक फ्रिक्शन वो उन्हू संभाल रही है। हुण जिहड़ा एम जी है, एम जी साइन अल्फा है, हुण देखो जिदा जिदा इनसैक्ट उपर नू जा रहा वा तो अल्फा की वैल्यू ने इनक्रीज करना, तो साइन अल्फा के इनक्रीज होने एम जी साइन अल्फा जो कंपोनेंट उन्हू थले नू लिया रहा, उदी वैल्यू जो ही लिमिटिंग फ्रिक्शन तो ज्यादा हुई तो इनसैक्ट ने उस तो उपर नहीं जा पाना। तो इहदा मतलब इत्थे कंडीशन की याद रखनी है बेटा कि अगर अल्फा की वैल्यू मैक्सीमम है तो उस वक्त इनसैक्ट जिहड़ा वा उन्हू एम जी साइन अल्फा तो नीचे नू पुश पुल करन की कोशिश कर रहा, तो आ जिहड़ा लिमिटिंग फ्रिक्शन है उन्हू बैलेंस कर रही है। पर जिदा ही इनसैक्ट होर थोड़ा जा उपर नू जाण की कोशिश करेगा, अल्फा नू इनक्रीज करन की कोशिश करेगा, तो एम जी साइन अल्फा जिहड़ा वा वो तो इनक्रीज हो जाएगा, बट एफ एल तो मैक्सीमम सी, वो तो होर फरदर इनक्रीज नहीं होनी, इस करके वो होर फरदर राइज नहीं कर पाएगा। इस कारण करके जो ये पॉइंट आ गया ना, जिहड़ा पी पॉइंट आपां कंसीडर कीता, ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ गई। तो इत्थे बेटा एफ एल दी वैल्यू एम जी साइन अल्फा है और नॉर्मल रिएक्शन दी वैल्यू एम जी कॉस अल्फा है। रेशो आ गया एफ एल ओवर नॉर्मल रिएक्शन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो रेशो च टैन अल्फा आ गया बेटा। तो हुण तुसी निकालना की है, मैक्सिमम पॉसिबल एंगल अल्फा निकालना वा, तो 1/3 तो टैन अल्फा दी वैल्यू, ठीक है, या कॉट अल्फा 3 आ गया ना, तो वो कंडीशन आ गई बेटा। तो इस तरीके नाल इनू सॉल्व करना। क्लियर हो गई है इनी गल? यस सर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। हुण देखियो बेटा, ए ब्लॉक इज जेंटली प्लेस्ड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट मूविंग होरिजोंटली विद कॉन्स्टेंट स्पीड। तो आ बेटा एक कन्वेयर बेल्ट है ना, ये बेल्ट मोशन च है कॉन्स्टेंट, और एट टाइम 4 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बिकम्स इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट। हुण गल नूं समझो पुत्तर, जदों आपां ब्लॉक नूं इस बेल्ट दे उपर ड्रॉप कीता, ठीक है, तो ब्लॉक दी सारी वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो होरिजोंटल इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। तो हुण ब्लॉक और बेल्ट दे विच की है, रिलेटिव मोशन है, क्योंकि बेल्ट तो मोशन च जा रही है, तो जिहड़ा ब्लॉक है उसकी इनिशियल होरिजोंटल वेलोसिटी 0 होने करके जो बेल्ट है वह विद रिस्पैक्ट टू ब्लॉक मोशन च है, या ब्लॉक विद रिस्पैक्ट टू बेल्ट मोशन च है। तो थोड़ी देर बाद आफ्टर टाइम 4 सेकेंड वह कह रहा कि जिहड़ी ब्लॉक की वेलोसिटी है दैट बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ बेल्ट, है ना, 4 सेकेंड बाद वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बिकम्स इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट। तो इहदा मतलब की हो गया बेटा कि अगर ब्लॉक की इनिशियल होरिजोंटल वेलोसिटी 0 है, मतलब 0 टाइम पे, तो आफ्टर 4 सेकेंड उसकी जिहड़ी वेलोसिटी है वो बेल्ट की वेलोसिटी के बराबर होगी। ठीक है, हुण ये जिहड़ी उसकी ब्लॉक की वेलोसिटी इनक्रीज हुई है, किने इनक्रीज कीती है, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ने इनक्रीज कीती है, मतलब ब्लॉक दे विच जिहड़ा मोशन है वो फ्रिक्शन फोर्स ने पैदा कीता वा। अच्छा हुण बेटा ये गल देखो, क्योंकि इत्थे ब्लॉक दे उपर जिहड़ी फ्रिक्शन लग रही है, है ना, होरिजोंटल सरफेस है, तो होरिजोंटल सरफेस ते फ्रिक्शन जिहड़ी है उहदे करके जिहड़ी एक्सेलरेशन है वह की होनी है, म्यू जी। वो क्यों? क्योंकि होरिजोंटल सरफेस ते जिहड़ी बॉडी है उहदे ते वेट नीचे नू है, नॉर्मल रिएक्शन उपर नू है, और हुण क्योंकि ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट मोशन च सी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन सी, है ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन, हुण जिहड़ी काइनेटिक फ्रिक्शन है वह किहदे बराबर हुंदी मित्र, म्यू एन, और म्यू एन दी वैल्यू एम जी है, और इस काइनेटिक फ्रिक्शन ने ही उन्हू एक्सेलरेट कीता वा रिलेटिवली, है ना, विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, जिस करके एक्सेलरेशन की होनी है, फ्रिक्शन बाय मास म्यू जी। तो जदों भी हुण एक गल सुन लो, जदों भी कोई भी ऑब्जेक्ट
horizontal surface ਤੇ friction ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੁਕਦਾ ਵਾ decelerate ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ decelerate ਹੋਣੀ ਹੈ minus mu g ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ horizontal surface ਤੇ accelerate ਹੁੰਦਾ due to friction ਤਾਂ ਉਹਦੀ acceleration ਹੋਣੀ ਹੈ plus mu g that's all ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ equation ਕਿਉਂਕਿ mu constant ਹੈ g ਵੀ constant ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ constant ਹੋਣ ਕਰਕੇ relative motion ਜਿਹੜਾ ਵਾ uniformly accelerated motion ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ formula use ਕਰਾਂਗੇ this one तो v दी वैल्यू v है u दी वैल्यू जीरो है और a दी वैल्यू म्यू जी टी है ना तो वेलोसिटी म्यू गिवन है थानू 0.2 g दी वैल्यू 10 है टाइम 4 है ठीक है 8 मीटर पर सेकंड कन्वेयर बेल्ट दी वेलोसिटी है क्लियर है बेटा Yes, sir. देखो उन आ कंसेप्ट ता तुसी पढ़िया ही होया वा प्रॉब्लम 8 ए मंकी इज डिसेंडिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ट्री विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रांच इज 75% ऑफ द वेट ऑफ द मंकी The minimum acceleration with which the monkey can slide down without breaking the branch. When actually, अगर आप branch है बेटा, तो इस branch नो तोड़न ले कौन जिम्मेवार है? Force. केडी force? जेडी इस branch दे अंदर पैदा होनी है tension कहलो, tension. और maximum tension कितनी हो सकती है बेटा ताकि monkey safely नीचे नो आ सके? क्योंकि ये जी ब्रांच है उदी मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जी दिती हुई है ना 75% ऑफ द वेट 75% ऑफ वेट का मतलब थ्री बाय फोर एम जी तो हुन जेड़ा मंकी है पुत्र है ना उन्होंने अपा डॉट नाल तो इस मंकी दे ऊपर टेंशन ते दूजा उदा वेट ये दो फोर्सेस लग रही है ना और वो नीचे नू एक्सेलरेट कर रहा है तो इक्वेशन कितना बन जानी है बेटा मंकी दी एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस टी और ए निकालना हम आपा जी माइनस टी बाय एम टी दी वैल्यू कितनी दी है थ्री बाय फोर एम जी इट मीन्स जेड़ा मंकी है वो मैक्सिमम इनी मिनिमम इनी एक्सेलरेशन नाल नीचे आ सकता है ना देखो बेटा न्यूमेरिकल नंबर वन जो है उदे विच देखो ए 4 केजी ब्लॉक ए is placed on the top of 8 kg block B. आ 8 kg है block, आ 4 kg block A है. This is A and this is B. उन्होंने statement नू ध्यान नाल पढ़ो बेटा, और ये जड़ा 8 kg block है, ये smooth table ते लाई कर रहे हैं, smooth. इधर मतलब इतने friction नहीं होनी. ਉਹਨੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ ਜਸਟ ਸਲਿਪਸ ਔਨ ਬੀ ਵੈਨ ਏ ਫੋਰਸ ਆਫ 12 ਨਿਊਟਨ ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਔਨ ਇਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏ ਤੇ 12 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਏ ਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏ ਤੇ 12 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਏ ਜਸਟ ਸਲਿਪਸ ਔਨ ਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 12 ਨਿਊਟਨ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ वो तुसी निकाल सकते हैं ना तो ए लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो वो निकल आई है रादर उत्थों आपा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं पर उदी लोड नहीं है अच्छा ए ता हो गया पहला पार्ट हुन दूसरे पार्ट्स पता की कहंदा हो वो कहंदा भी हुन दसो then the maximum horizontal force F applied on B to make both A and B move together. हुन देखो बेटा, जदों आपां
दो बॉडीज आपस दे विच टच कर रही हैं, कॉन्टैक्ट च है। और अगर आपा एक बॉडी ते फोर्स लगा के है ना, नीचे वाली बॉडी ते फोर्स, मैक्सिमम फोर्स लगा के चलाना चाहते हैं दोनों नू इकट्ठिया, मतलब दोनों की एक्सलरेशन सेम है, तो अगर ये फोर्स मैक्सिमम है चाहिए है सानू, तो इहदा मतलब 4 और 8 दे विच जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है वह भी मैक्सिमम होएगी। हुण देखो बेटा, हुण 8 केजी जिहड़ी है ना वह राइट नू जाना चाहती है विद रिस्पैक्ट टू 4 केजी ड्यू टू फोर्स एफ एफ करके, पर अलग नहीं हो रही है, तो इहदा मतलब 8 केजी चाहती है कि 4 केजी तो अगे निकल जाए राइट नू, है ना, पर हो नहीं पा रही क्योंकि फ्रिक्शन है ना स्टैटिक। तो हुण इट मीनस अगर 8 केजी 4 केजी दे अकॉर्डिंगली टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स राइट साइड, राइट नू जाना चाहती है, तो इहदे ते फ्रिक्शन होनी है पिछे नू और 4 केजी ते होनी है अगे नू। और जदों एफ तुहानू मैक्सिमम चाहिदा वा और 4 और 8 इकट्ठे रहन, तो यह जिहड़ी फ्रिक्शन है ना यह लिमिटिंग होनी चाहिए है, अदरवाइज ये स्टैटिक है जब तक 4 और 8 केजी इकट्ठे चलनगे, और ये मैक्सिमम एफ ते लिमिटिंग दे बराबर हो जाएगी। तो हुण जदों ये साडे को सिचुएशन आ गई है बेटा, हुण इस केस दे विच जदों दोनों ने इकट्ठे चलना तो दोनों की एक्सलरेशन भी ना सेम ही होनी है पुत, क्योंकि जदों दो बॉडीज आपस जुड़ के चल दियां तो दोनों की वेलोसिटी, दोनों की डिस्प्लेसमेंट, दोनों की एक्सलरेशन सेम होंगी है। तो हुण ए एक्सलरेशन 4 के जी की तो कट सकते हैं क्योंकि एफ एल 12 है, 12/4 3, इहदा मतलब 8 के जी की भी ए सेम ही है, किन्नी ए इज इक्वल टू एफ माइनस एफ 12/8 और ए 3 इज इक्वल टू एफ माइनस 12/8 24 इज इक्वल टू 36 न्यूटन आंसर आ जाएगा, 36 आएगा ना, ये याद रखियो 36 आना वा, करेक्ट कर लियो इन आंसर नो। ओके सर, फिर देखो बेटा न्यूमेरिकल नंबर सेकंड है ना, तो अच्छा एक देखियो पुत्र, हुण एक ही लेक्चर लगाइयो अज है ना, बाकी स्टूडेंट्स आए नहीं अज, मैनूं लगदा क्रिसमस मना रहे हैं, तो आपां भी फिर नवा काम नहीं शुरू करना, तो ये लास्ट न्यूमेरिकल ही है तुहाडा ना अज लई। देखो वे The rear side of a truck is open. ये बड़ा important numerical है, and a box of mass 20 kg is placed on the truck 4 meter away from the open end. ये अपन design कर लेने हैं truck का, ठीक है? आप पिछली side हो दी open है। और इस truck के ऊपर अपन मतलब आ रखता box, और ये box इस ओपन एंड तो कितनी दूर है, 4 मीटर अवे, और म्यू दी वैल्यू जेडी है दैट इज गिवन टू बी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दी वैल्यू 0.15 और जी दी वैल्यू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड गिवन है। द ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जेड़ा ट्रक स्टार्ट होया रेस्ट तो होया बेटा, विद एन एक्सेलरेशन ऑन ए स्ट्रेट रोड। The box will fall off the truck when it is at a distance from the starting point equal to. उन्हें आंदे ही होगा तो। उन ये जिधर box है, ठीक है? इधे ऊपर केडी केडी force लग रही है, तो एक ना है इस दा weight और box दा mass देता होया 20 kg। दूसरा है बेटा normal reaction। ठीक है, हुण तीसरा की है बेटा, क्योंकि ये जड़ा बॉक्स है ना ये विद रिस्पेक्ट टू ट्रक राइट नो शिफ्ट हो रहा है,
है ना, राइट नू शिफ्ट हो रहा वा। तो हुण एक गल होर सुनो, ध्यान दियो, राइट नू शिफ्ट हो रहा। तो अगर विद रिस्पैक्ट टू, हुण ध्यान दियो, ये जिहड़ा बॉक्स है विद रिस्पैक्ट टू ट्रक राइट नू शिफ्ट हो रहा ना, डायग्राम तां ही नीचे गिरेगा। तो आपां इत्थे ट्रक नू की मान लैने आ पुत, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉर्मली असीं अर्थ नू मानदे। अच्छा, हुण जदों असीं ट्रक नू फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, पर ट्रक तां आप एक्सलरेट हो रहा, तो बन गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इहदा मतलब विद रिस्पैक्ट टू ट्रक जो बॉक्स है उहदे ते सूडो फोर्स किधर नू लगेगी बेटा, इस तरफ एम ए, क्योंकि ट्रक नॉन इनर्शियल फ्रेम लैफ्ट नू एक्सलरेट कर रहा। अच्छा, हुण क्योंकि बॉक्स और ट्रक दे विच फ्रिक्शन भी है, तो क्योंकि बॉक्स विद रिस्पैक्ट टू ट्रक राइट नू शिफ्ट हो रहा, तो जिहड़ी एक्सल अपना फ्रिक्शन है वह लैफ्ट नू होएगी। हुण देखो, हुण बेटा जिहड़ी ए है ना, ये एक्सलरेशन है ट्रक दी विद रिस्पैक्ट टू, ए है एक्सलरेशन ऑफ ट्रक विद रिस्पैक्ट टू अर्थ। तो आपां मान लैने आ कि लेट ए डैश की है एक्सलरेशन ऑफ बॉक्स विद रिस्पैक्ट टू ट्रक। हुण क्योंकि इथों देखो एन दी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, एम जी, और बॉक्स दे उपर जिहड़ी नेट फोर्स लग रही है एम ए डैश, किहदे बराबर, एम ए माइनस एफ, और एफ दी वैल्यू कितनी है पुत्र, म्यू एन। तो म्यू एन दी वैल्यू, एन किन्ना वा, एम जी, एम एम कटे गए, तो ए डैश मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रक कितनी आ गई, ये 2 है, म्यू दी वैल्यू कितनी दित्ती हुई है 0.15, जी 10 है, 2 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 0.5। तो ए एक्सेलरेशन है बॉक्स दी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। हुण बॉक्स नू विद रिस्पेक्ट टू ट्रक नीचे गिरन लई किन्ना डिस्टेंस कवर करना पैना, 4 मीटर। तो किन्ना टाइम लगेगा उनू नीचे गिरन नू, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करिए आपां। तो इनिशियली बॉक्स रेस्ट ते सी पुत, तो इस करके जिहड़ा एस है वह 4 मीटर दिता थानू। तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2s/a, 2 × 4/0.5 है ना। तो ये बन गया थोड़ा 2 × 4/ अपना 0.5 के बराबर हो गया बेटा 16, तो 4 आ जाना थोड़ा, 4 सेकेंड लगन गए इस बॉक्स नू ट्रक तो नीचे गिरन ले। तो हुण उन्हें पुछया की है कि जदों बॉक्स नीचे गिरेगा उदों ट्रक अपनी इनिशियल पोजिशन तो किन्नी दूर चला जाएगा विद रिस्पैक्ट टू अर्थ। हुण वापस मुड़ के अर्थ ते अपना ट्रक ते आ जाओ बेटा। हुण ट्रक दी एक्सेलरेशन विद रिस्पैक्ट टू अर्थ तुहानू पता वा, और टाइम पता लग गया भी असी जदों बॉक्स जमीन ते गिरेगा तां जदों ट्रक स्टार्ट होया सी उस तो 4 सेकेंड बाद बॉक्स ने जमीन ते गिरना, तो उन्हां 4 सेकेंड जिहड़ा ट्रक है वह अपनी इनिशियल पोजिशन तो किन्नी अगे चला जाएगा, वह आपां फिर यही फार्मूला तो निकाल सकते हैं। बट हुण इत्थे टी किन्ना वा, 4, एस निकालना वा, ए दी वैल्यू 2 लैनी है पुत, एस इज इक्वल टू 16 मीटर। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास करके नॉन मेडिकल लई, मेडिकल लई भी इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इत्थे तक समय लग गई पुत्र? यस सर। यस सर। तो लगभग सारे न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं ना।